हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऑलमोस्ट फोन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट गेमिंग अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। बेसिकली दोस्तों इसको मैं गेमिंग स्मार्टफोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको इस फोन में एक काफी तगड़ा हार्डवेयर देखने को मिलेगा और काफी अच्छे चीप प्राइस में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन का इंतजार काफी सारे लोग बहुत दिन से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पोको फोन F2 इंडिया में लॉन्च होने वाला है और दोस्तों काफी सारे लीक फोटो और स्पेक्स निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन के बारे में कि इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कब लॉन्च होगा इंडिया में और साथ ही साथ इसका प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर आप ऐसे ही टाइप के कॉन्टेंट देखना चाहते हैं गेमिंग स्मार्टफोन गेमिंग रिव्यू तो दोस्तों आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और इसकी प्राइस क्या होगी। इसके अलावा दोस्तों ये फोन क्या गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम सिर्फ गेमिंग रिव्यू ही करते हैं, यानी कि स्मार्टफोन गेमिंग रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि ये फोन बेस्ट रहेगा कि नहीं कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में या फिर ई स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि दोस्तों Xiaomi का जो पोको F1 था वो काफी सारे लोगों ने परचेज किया था सिर्फ पबजी खेलने के लिए या फिर ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए और दोस्तों काफी सारे लोगों ने खेला भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन की स्पेक्स की। तो दोस्तों आपको इस फोन में देखने को मिलेगा एक काफी तगड़ा प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा और दोस्तों ये एक गेमिंग के लिए काफी बीस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, रिफ्रेश रेट वाला, और दोस्तों साथ ही साथ आपको इस फोन में 8GB रैम और 6GB रैम दो वेरिएंट में आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में UFS 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो दोस्तों आपको इस फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको एक मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा और एडिशनल दो सेंसर अल्ट्रा वाइड या फिर डेप्थ सेंसर होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में ड्यू ड्रॉप वाला नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों काफी सारे तगड़े रूमर आ रहे हैं कि दोस्तों इस फोन में आपको सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और दोस्तों अगर इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ गया तो किलर फोन साबित होगा। और दोस्तों अगर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों लीक के हिसाब से दोस्तों इस फोन का प्राइस कम करने के लिए दोस्तों आपको इस फोन में भी प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगा। बेसिकली दोस्तों ये एक पॉलीकार्बोनिक मटेरियल से बना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोको F2 के लॉन्च डेट की। तो दोस्तों काफी सारे ट्रेडमार्क डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं और दोस्तों उस लीक डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये फोन इंडिया में 27 फरवरी 2020 को लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कि कैसे ये हो पाता है या फिर नहीं। दोस्तों काफी सारे लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि दोस्तों आप इतने गारंटी के हिसाब से कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि दोस्तों पोको F1 का जो ट्रेडमार्क डॉक्यूमेंट था वो 6 जून 2018 का था और दोस्तों लॉन्च हुआ था 22 अगस्त 2018 को। दोस्तों उस हिसाब से ये फोन 76 दिन बाद लॉन्च हुआ था। अगर उस हिसाब से देखें तो दोस्तों पोको F2 का जो ट्रेडमार्क डेट है वो 4/12/2018 का है और दोस्तों उस हिसाब से अगर 76 दिन बाद देखें तो ये निकल कर आता है 27/2/2020। इसलिए दोस्तों यह फोन 27 फरवरी 2020 को लॉन्च हो सकता है, ऐसा मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकता पर दोस्तों काफी तगड़ा रूमर है। सो गाइस अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस की। तो दोस्तों इस फोन का प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये फोन आपको 25 से 27 हजार के बीच में लॉन्च होगा, क्योंकि दोस्तों Redmi का K20 Pro जो कि स्नैपड्रैगन 855 के साथ आता है वो आपको 25 हजार में देखने को मिल जाता है और दोस्तों ये फोन उससे तो थोड़ा सा ऊपर में ही होगा या फिर उसके लेवल में ही होगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन का प्राइस भी कम रखना है जैसा उन्होंने पोको F1 के साथ किया था। सो गाइस अब बात करते हैं कि ये फोन गेमिंग के लिहाज से कैसा रहेगा। दोस्तों अगर ये फोन 25,000 में अगर लॉन्च होता है इंडिया में स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ तो दोस्तों ये एक एकदम किलर डील रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा कोई भी फोन देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये फोन जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगा तो मैं इसे परचेस करके अपने चैनल पर काफी सारे गेमिंग रिव्यू इसको डालूंगा और काफी तगड़ा टेस्ट करेंगे इस फोन पर गेम खेलकर, इसकी बैटरी को, इसकी रैम मैनेजमेंट को। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों अगर आप ऐसे ही स्मार्टफोन गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।